वाहर किसने कट किया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं किसी ने वायर कट कर दिया यहाँ पर पावर कोर्ट में, और फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी लाइट ऑन नहीं हो रही। पर राज, प्रॉब्लम बाहर से है, इलेक्ट्रिशियन को मैंने कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। तुम जाओ, एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर योर बर्थडे। इट्स योर बर्थडे, ये द बर्थडे बॉय। उसको उसको लेकर आता हूं। पूर्णिमा को मैं ले आऊंगी, तुम जाओ बाहर। जाओ ना। अब देखना पूर्णिमा, आज से किसका हक होगा राज पर। कहा था ना मैंने, रात अभी बाकी है। सीन के बारे में कुछ बताइए, आज क्या शूट किया है, क्या सीक्वेंस है आज का? सो अभी जो मैंने सीन शूट किया है, जो भी आपने देखा है, वो राज के साथ था, जहाँ पर लाइट्स ऑलरेडी मैंने ऑफ कर दी है और वो ऑन करने की ट्राई कर रहा है। इट्स हिज बर्थडे टुडे, लेकिन मैंने पूर्णिमा को चैलेंज किया हुआ है, इमोशनली चैलेंज कि राज मेरा ही होगा आज की रात से। तो आई हैव टू प्रूव दैट, एंड मुझे अपने शब्दों पर रहना है। तो मैंने जो चैलेंज किया हुआ है पूर्णिमा को, उस चैलेंज के लिए मैं राज को अपने आप प्लीज़ ये मिस मत करो जो उसने किया था, चला गया। सो या वो लाइट्स ऑन करने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। एंड शाइना डराती है उसे, पूर्णिमा को आफ्टर डैट उसको बेहोश वगैरह कर देती है, ताकि अपने शब्दों पर रह सके। सो सीन ये था, लेकिन अगर अभी मैं आगे का बता दूंगी तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके आगे का देखें और इस पूरे सीक्वेंस को इन्जॉय करें, क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है, जो कि मैं खुद शूट करने में बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। ऑडियंसेस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा पहला नेगेटिव लीड है, और मैं चाहती हूँ जितना प्यार आपने मुझे हमेशा से पॉजिटिव लीड में दिया है, उतना ही प्यार आप मुझे इसमें भी दीजिए। काम है मेरा, तो इसे पर्सनली मत लीजिएगा। सो ये कहानी है जो हम आपको आप तक पहुँचा रहे हैं, तो इसे प्लीज़ उसी तरह लीजिएगा कि काम मैं कैसा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।